फ्रेंड मैं एस एन प्रजापति एस एम भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यह चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एनसीईआरटी का है। तो यह एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या कहता है कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग के चार कोनों पर, एक वर्ग ए बी सी डी के चार कोनों पर चार बिंदु आवेश ए बी सी डी हैं जिनके मान क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम है। वर्ग के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग के केंद्र पर रखी 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड यहां पर हमने मान लिया कि यह एक वर्ग है ए बी सी और इसको मान लिया डी। तो अब यहां पर जरा देखेंगे इनके विकर्णों को मिला दिया इस तरह से। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये कितना कितना है 10 सेंटीमीटर है। और कहा कि प्रत्येक पर आवेश क्यू ए यानी यहां पर जो आवेश है उसका मान कितना है क्यू ए है और इसका मान है 2 माइक्रोकुलाम। यहां पर रखे आवेश का मान -5 माइक्रोकुलाम यानी यहां पर यह है क्यू बी और इसका -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्यू डी यानी बिंदु डी पर रखे आवेश का मान -5 माइक्रोकुलाम है। अब इसके बाद कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा गया। तो वर्ग का केंद्र यानी विकर्णों का मध्य बिंदु यानी विकर्णों का कटान बिंदु, इस कटान बिंदु को ओ से प्रदर्शित कर देते हैं और यहां पर 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा गया है। तो चूंकि 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है इसलिए इसको धन आवेश माना जाएगा क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह नहीं लगा है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर यानी वो 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाले बल का मान यानी इस आवेश पर लगने वाले संपूर्ण बल का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला नेट बल यानी परिणामी, नेट का मतलब परिणामी बल मान लिया कितना है तो एफ है। तो फ्रेंड यहां पर यह एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे इस क्यू ए द्वारा क्यू बी द्वारा क्यू सी द्वारा क्यू डी द्वारा लगने वाले बलों का योग यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी और प्लस एफ डी यानी इन कॉर्नर्स पर इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखी आवेश के कारण लगने वाला संपूर्ण बल कितना है। तो यहां पर फ्रेंड हम देखेंगे क्या देखेंगे क्यू ए है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, यहां पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश, दोनों धन आवेश हैं। तो देखें इसके कारण इस पर बल क्या लगेगा या प्रतिकर्षित करेगा, इस 1 कुलाम आवेश को 2 माइक्रोकुलाम का आवेश प्रतिकर्षित करेगा, इसको दूर हटाएगा यानी एक क्यू ए के कारण 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाले बल का जो डायरेक्शन होगा वह एफ ए ए से ओ की ओर होगा यानी यहां से बाहर की ओर होगा। अब जरा देखें सी पर भी 2 माइक्रोकुलाम का आवेश लगा हुआ है और यहां से यह जितना दूर पर है उतना ही दूरी पर यहां पर क्योंकि यह विकर्णों का कटान बिंदु है, यह दूरी और यह दूरी इस चारों दूरियां क्या रहेंगी एक समान रहेंगी। वर्ग के भुजा की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर जरा देखिए अब इस
प्लस 2 माइक्रोकुलाम के कारण 1 माइक्रोकुलाम पर कितना बल लगेगा? देखेंगे यह धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण इस पर किधर बल लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, यानी यह 2 माइक्रोकुलाम का आवेश इस 1 माइक्रोकुलाम को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? यह देखेंगे C के कारण, तो यह C ये भी क्या लगेगा? बाहर की ओर, और ये दोनों बल क्या है? बराबर और विपरीत है। यहां पर जरा देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे परंतु, यहां पर जरा देखेंगे यफ सी इक्वल टू यफ ए, दोनों का यफ सी इक्वल टू यफ डायरेक्शन यहां पर जरा देखेंगे तो यहां पर क्या है? विपरीत है, इसलिए यहां पर माइनस ले लेंगे, यफ सी इक्वल टू माइनस यफ ए ना। और यहां पर इसको हम लोग वेक्टर सम भी निकाल सकते हैं, इस तरह से ऐसे इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये डायरेक्शन क्या है इनका? अलग अलग है। अब इसी तरह से 1 माइक्रोकुलाम पर -5 माइक्रोकुलाम के कारण लगने वाला बल, तो देखेंगे यह माइनस है, ये क्या है? प्लस है। यह आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी आकर्षित करेगा, यानी इस बी के कारण जो बल लगेगा यफ बी, यह लगेगा माइनस आवेश की ओर, यह हो गया यफ बी का डायरेक्शन। और यहां पर जरा देखें क्यू डी भी -5 माइक्रोकुलाम है, यह 1 माइक्रोकुलाम आवेश को भी क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि यह माइनस आवेश है और यह क्या है? प्लस आवेश है। तो इसके आकर्षण का जो डायरेक्शन होगा वह ओ से डी की ओर होगा, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा? यह एफ डी का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी जो बल एफ डी लगेगा उसका डायरेक्शन ओ से डी की ओर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहां पर जरा देखें, यहां पर यह भी लिखेंगे तथा, यहां पर जो दूसरा बात जो है वह क्या है? वह है कि यफ बी और यफ डी दोनों का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। यहां पर यफ डी दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। अब देखेंगे ये मान यहां पर क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे, अतः 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला संपूर्ण परिणामी बल यफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? या भी यहां पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, तो वेक्टर यफ इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे यफ ए प्लस यफ बी। आप जरा देखेंगे आगे है यफ सी, तो यफ सी की जगह लिख देंगे माइनस यफ ए, और यफ डी की जगह लिख देंगे माइनस यफ बी, यफ डी की जगह लिख देंगे माइनस यफ बी। तो इस तरह से ये बल बराबर और विपरीत हैं, एक दूसरे से परस्पर कट जाएंगे। तो इस तरह से 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला जो नेट बल है वो क्या है? बिल्कुल 0 है, 0 है। तो फ्रेंड इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा सकते हैं। में क्या है कि दो बिंदु आवेश QA और QB, दो बिंदु आवेश, एक 3 माइक्रोकुलाम का, एक -3 माइक्रोकुलाम का है, जो कि एक रेखा AB पर स्थित हैं, और ए और बी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और यहां पर यह ए है, यह बी है, इस पर जो आवेश है क्यू ए उसका मान है 3 माइक्रोकुलाम, और क्यू बी पर जो आवेश है वह है -3 माइक्रोकुलाम। इस तरह से, यानी यहां पर जो क्यू बी का मान है वह -3 माइक्रोकुलाम। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु यानी ए बी के मध्य बिंदु, यानी यहां से कितने दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु ओ मान लेते हैं। कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो फ्रेंड यहां से जरा देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इक्वल टू, इसी में 100 से क्या कर दें? भाग कर दें, तो 10/100 इक्वल टू 0.1, ये क्या हो जाएगा? मीटर, यह आएगा मीटर, ये दूरी हो गया। कह रहे हैं कि बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
तो फ्रेंड हम जानते हैं कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर, यानी इस क्यूए आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किधर होगी, बाहर की ओर होगा। यानी यहाँ पर इस ए आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं ई ए से, यह किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब इस माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होता है, तो माइनस आवेश की ओर ही होता है। तो यानी इस क्यूबी आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका डायरेक्शन ओ से बी की ओर, तो इसको हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं ई बी से। यानी बिंदु ओ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वह दोनों आवेशों के कारण ओ से बी की ओर है, और दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक समान है। तो फ्रेंड यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखेंगे इस पर वेक्टर भी लगा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर परिणामी, बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी ई वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे, परंतु ई ए और ई बी क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहां से यह दूरी, यहां से यह दूरी क्या है, बराबर है। हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हम लोग अलग अलग मान भी रख सकते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, हम अलग अलग मान रखकर ही आपको दिखाते हैं। यहां पर जरा देखेंगे ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और q/r2। तो यहां पर ए है, ए का मान है 3, तो 3 माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो कुलाम को हम लोग कुलाम में बदलेंगे, तो 3×10⁻⁶ अपान आर स्क्वायर। फार्मूला पहले लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर यह देखेंगे फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ए अपान आर स्क्वायर, का मतलब ए से ओ तक की दूरी, तो ए ओ स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू बी अपान यहाँ से बी से ओ तक की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे बी ओ या ओ बी का स्क्वायर। अब यहां पर देखें 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं इस तरह से 1/4πε0 और क्यू ए, क्यू ए का मतलब 3 माइक्रो कुलाम है, तो इसको जब कुलाम में बदलेंगे तो देखेंगे 3×10⁻⁶ कुलाम अपान दूरी कितना है 0.1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यूबी का मान कितना है 3 है, परंतु कैलकुलेशन में हम लोग 3 रखेंगे, तो यहां पर रखें क्योंकि यहां पर डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड कर लिया कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3×10⁻⁶ अपान 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर है। अब यहां पर जरा देखेंगे इन दोनों को, इसमें कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 और यहां पर जरा देखें 3×10⁻⁶, जो यहां पर है वही चीज यहां पर है, यानी यह दुगुना हो जा रहा है, 2 times हो जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं × 2×3×10⁻⁶ अपान 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से फ्रेंड यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁻⁹ और यहां पर जरा देखेंगे ए कितना हो जाएगा 6 और यहां पर 10⁻⁶ यहां पर है, 10⁻⁶ है और नीचे कितना है 0.01, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। अब क्या करें, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, यहां से देखेंगे 6×9 यहां पर आएगा 54 और × 10⁻⁴ यहां से जब देखेंगे तो 10⁻³ आएगा 10⁻³ और अपान देखें ये 100 से, क्योंकि यहां पर अभी है 0.01, तो इसको जब हटाना है तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे,
तो यहाँ देखेंगे ऐसे हो जाएगा 10^3 इंटू 100 और नीचे से कितना आ जाएगा 1, यानी यह आएगा 54 इंटू 10^5 न्यूटन, सॉरी वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10^6 न्यूटन प्रति कूलाम, तो यह आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र का मान। अब इसमें दूसरा कह रहा है कि यदि बिंदु ओ पर यानी मध्य बिंदु पर 1.5×10^-9 कूलाम का अगर एक ऋण आवेश रख दी तो इस पर कितना बल लगेगा। तो यहां पर फ्रेंड जरा देखें, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, तो यहां पर जरा देखेंगे तो लिखेंगे कि यहां पर Q0 = 1.5×10^-9 कूलाम पर लगने वाला वैद्युत बल, तो F बराबर होता है QE, एक फार्मूला होता है F बराबर QE, तो यहां पर है Q0, इसको हमने Q0 से माना है और यह है वैद्युत क्षेत्र E का मान, तो यहां पर वैल्यू रख दें तो इस आवेश पर लगने वाला समस्त बल आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखें F बराबर Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 10^-9 इंटू, यहां पर देखेंगे 5.4 5.4×10^6 10^6, यहां पर इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे 15×4=60 और 15×5=75 75×6=81 दो अंक पर दशमलव इंटू 10^-3 यानी यह जो बल आएगा वह आएगा 8.1 इंटू 10^-3 न्यूटन। तो फ्रेंड यह सातवें का बी आप लगा सकते हैं। इसमें क्या कर रहा था, कह रहा था कि यदि ए बी के मध्य बिंदु ओ पर 1.5×10^-9 कूलाम के ऋण आवेश को रख दिया जाए तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो फ्रेंड यहां पर इस पर लगने वाला बल 8.1 इंटू 10^-3 न्यूटन होगा। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, देखेंगे यहां पर यह ऋण आवेश है यानी जो -Q0 हमने यह माना है Q0, यह ऋणात्मक आवेश है तो इस पर लगने वाला बल, देखिए ऋण आवेश के कारण यह प्रतिकर्षित होगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर, धन आवेश के कारण यह इसको क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यानी इस पर लगने वाला जो बल F है उसका जो डायरेक्शन होगा वह एक्चुअली O से A की ओर होगा, यानी यहां पर जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन है O से A की ओर, यह जो बल लगेगा वह O से A की और लगेगा।